मेरा मतलब है कि बेटी कभी बहू नहीं बन सकती, इसीलिए वो मेरे सामने इस तरह जुबान चला रही थी। अब वो अगर आप अपनी बेटी की भी तौहीन करेंगे ना, तो वो भी आपके साथ बहस कर सकती। आप मुसलसल आलिया को नजरअंदाज कर रहे हैं फातिमा भाभी के मुकाबले में, क्यों? अच्छा, अब मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मुझसे सवाल करोगे। बीवी ने पट्टी पढ़ाई तो मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो। अबू, मैं आपसे जवाब तलब नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस तरह फातिमा भाभी आपकी बहू है, आलिया भी आपकी बहू है, आप क्यों कर रहे हैं दोनों में इतना फर्क, क्यों कर रहे हैं उसे नजरअंदाज? चुप हो जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आप जवान बेटे पे हाथ उठाएं? हाथ पकड़ के घर से निकाल भी सकता हूँ। राहिल, जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ मैं, लेकिन आइंदा आलिया की तोहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वलीद, आप अपने रवैये पे गौर करें। क्या मैंने फातिमा को कभी इस घर से निकलने की धमकी दी है? आप फातिमा को यह धमकी कभी दे भी नहीं सकती, क्योंकि ये घर फातिमा के बाप का है, समझे? क्या आप चेक नहीं कर रहे वलीद? मैं आपकी किस किस यात्री को नजरअंदाज करती हूँ? आपका फोन सारा के मिस्ड कॉल से भरा पड़ा है, चेक करें। मैं आपकी बेवफाई इसलिए बर्दाश्त कर रही हूं क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आप मेरे, ये घर मेरा। किसी रवैये ने मुझे मां से सास बनने पे मजबूर किया।